अपना जैसे बाइंग के एफ सी, उसको भूख लग गया तो उसको कुछ खाना है तो वो के एफ सी खाएगी। और हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे हैं एंड गैस हम कहाँ जा रहे हैं। दिस इज जैस ईटिंग। सो हाउ यू लाइक इट जैस? जैस पूरा पूरा एंजॉय करके खा रही है। अब मैं दिखाना चाहूँगी किस तरीके से, जैसे ऐसे नहीं इतनी तमीज से नहीं, जैसे अभी तो खा रही थी ना एक तभी कुछ ना बचे हड्डी में टाइप वाला, उस तरीके। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बचाती हूँ। बकवास मत कर, अभी जैसे खाया ना वैसे खा एकदम ही, एक साथ ही मुँह खोल के इतना डिसेंसी से खा रही है, बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं खाती है ये। और ये मेरा आउटफिट ऑफ द डे है, कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं, बस ओवर साइज शर्ट एंड जॉगर्स एज यूजुअल। जल्दी जल्दी भागना है, हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, भागो। हम लोग बस बोर्ड कर लिया, अब यहाँ से हम लोग प्लेन तक जाएंगे। ये इतनी खुश क्यों हो रही है ये? डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं गोवा, और बस अब हम लोग जाते हैं अपने होटल की तरफ जो कि नॉर्थ गोवा में है, कैलंगुट बीच पे, लिलीवुड करके है, लिलीवुड जैक रिजॉर्ट। इतना पास है हमारा होटल बीच से, वाह। और ये पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है जैसे इसके आसपास। तो मज़ा ही आ गया। अब हम यहाँ पे बैठ के सैंडविच खाएंगे। हम लोग जस्ट अभी अभी पहुँचे तो वो लोग हमें रूम रेडी करके दे रहे हैं, हमारे जो हमें रूम चाहिए था वो उसमें कोई था। एक्चुअल में हमें ऊपर का रूम मिला था तो वो हमें इतना पसंद नहीं आया, पसंद आया बट वो ये कि वहाँ पे हवा नहीं आ रही थी, उन्होंने पूरा बंद कर रखा था बारिश की वजह से, तो हमने नीचे का रूम लिया है किसी से लेके। अभी वो रेडी कर रहे हैं एंड मैं चिकन सैंडविच इंजॉय कर रही हूँ विद दिस फेलो। क्या है ये? और वहाँ हमारा होटल है जो वो लाइट दिख रही है। तो हमारा रूम भी रेडी है और हमने खाना खा लिया है, अब हम रूम में एंट्री करेंगे अपनी एंड दिखाते हैं कि रूम कैसा होगा। अभी तक हमने भी नहीं देखा रूम एंड लेट्स सी, ये वाला है शायद हमारा रूम, छोटा लग रहा है थोड़ा सा बाहर से, तो अब देखते हैं। सो वी आर एंटरिंग द रूम। भैया अपना नाम बता दो। विशाल भैया, ओके। सो दिस इज द रूम, थोड़ा छोटा है बट क्यूट है ना? Yes. क्यूट है, क्यूट तो है।
थोड़ा छोटा है बट हाय। मैं जरा बाथरूम देख के आती हूँ, खाना वाना खा के, और बाथरूम भी छोटा है बट ठीक है, हम दो दिन के लिए हैं यहाँ पे, इट्स नाइस। ठीक है, तो रूम की वाइब्स कुछ ऐसी ही है, अच्छी है। अब हम लोग थोड़ा तो चेंज वेंज कर लेते हैं, हाल कुछ बुरे हो रहे हैं, चेंज करके थोड़े से अपने नाइट क्लोथ्स पहन के फिर थोड़ा बीच बीच पे जाते हैं, फिर रेस्ट करेंगे आराम से। तो अभी मैं चेंज वेंज करके लेट गई और थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, और ये बैठ के बकवासे कर रही है। नहीं, रात को हम लोग बीच में रहेंगे शायद। अच्छा, शायद वेंड आ रहा है, शायद शायद नहीं, शायद मैं बहुत थक गई हूँ यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा ना ऐसा घुटन सा फील हो रहा है, घुटन फील हो रहा है, इसलिए बाहर जाके हम लोग, हाँ घुटन फील हो रहा है। 5-10 मिनट्स आज लैंड करे हम लोग 5:30 बजे, 5:40 पे, 5:40 पे करे। बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं ब्लॉग करूँ उस टाइम पे, और बहुत ही घटिया फ्लाइट था, और बहुत ही घटिया फ्लाइट था, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं था, बिल्कुल भी टर्बुलेंस इतनी थी, ऊपर से उसने इतनी स्पीड में ऊपर लेके गया, स्पीड में इतनी नीचे लेके आया, मतलब वो प्रॉपर मोशन पता चल रहे थे, ऊपर से हमारे जो पीछे बैठा हुआ था वो वॉमिट करे जा रहा, पहले उसने बर्ब्स लेना स्टार्ट किया, फिर वो वॉमिट करे जा रहा, उसने खाया जम के, अरे यार अगर वॉमिट होती है तो खाओ मत ना, बट उसने खाया जम के, गालियां वालियां दे रहा था वो बंदा, इरिटेट और कर दिया था उसने। और फिर जब जैसे यहाँ पे लैंड करे थोड़ी ह्यूमिडिटी फील हुई बट ठंडा बहुत था, अच्छा लगा यहाँ पे आके बहुत। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं ब्लॉग करूँ, तो मैंने सोचा मज़े लेती हूँ उस राइड के, 1 घंटा दूर था, हम लोग कैलंगट में है आज, कल थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे फिर देखते हैं, बट ओवरऑल अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा पास में हैं बीच के, मतलब यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस भी नहीं है, मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा ही हमारा बीच है। तो हम लोग लिली वुड जैक होटल में है आज, तो दिखाएंगे अभी बाहर जाएंगे तो दिखाएंगे कि कैसा पास, कितना पास है हमारे बीच, मैंने दिखाया था इससे पहले तो अच्छा, तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे आके, थोड़े चेंजेस की ज़रूरत भी थी, दिल्ली में इतना अच्छा नहीं है कुछ भी, इवन हवा में भी डिफरेंस पता चल रहा है कि कितना अच्छा डिफरेंस है ना जैस। अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर जब बाहर जाएंगे तो मिलते हैं। हम दोनों ने खाया बटर चिकन और नान, जो बस हम हमेशा खाते हैं, जो कि हम हमेशा खाते हैं, हम सोचते हैं कि कुछ नया ट्राई करेंगे बट कहीं जाके कुछ नहीं आ जाता, बटर नान नॉर्थ इंडियन खाने पे आ जाते हैं अपने प्रॉपर। तो अभी जब चलेंगे तो फिर मैं करती हूँ आपको, करती नहीं कुछ नहीं करती मैं, फिर दिखाती हूँ आपकी क्या है आसपास में। वैसे सारे रेस्टोरेंट्स बंद हैं, बीच पे इतना कुछ है नहीं, सारा अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, बट चल के दिखाएंगे कितना अच्छा है, और इतनी अच्छी हवा आ रही है ना। मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं अगर ज़्यादा बीच के पास चले जाऊँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं कब सुनामी आ जाए, डर बैठा हुआ है दिल में बहुत ज़्यादा। तो अभी आप जाएंगे तो दिखाएंगे, ओके बाय। एंड द बैड वाला पार्ट है कि यहाँ पे ना फुल मिरर नहीं है, तो मेरे को चढ़ चढ़ के अपने आप को दिखाना पड़ रहा है। हाय, हेलो, हम बाहर जा रहे हैं बीच पे, चलो ये चप्पल पहन के जाएंगे। छोटे से रूम को करते हैं बाय। कुत्ती, बारिश हुई है, मुझे नीचे पैर रखते ही पता चल गया कि बारिश हुई है। यहाँ से हम जाएंगे और सामने ही बीच है, तो आप मैं दिखाती हूँ कि हम कितने पास हैं बीच के, और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना कि मज़ा ही आ गया। दिख रहा है सामने बीच, वाओ, यू आर भूखा पर्सन ऑलवेज, कब नहीं आती है भूख याद तेरे को? मेरा
आई एम तो टू फुल मैन, आई डोंट वांट टू ईट नाउ एल्स मैं तबीयत खराब हो जाएगी. सो व्हाट, धो लेना वहां पे है जगह. थोड़ा प्राइवेट बीच टाइप का है ये, है ना. ठंडा बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा है, मजा आ गया. जैस बट मुझे बहुत ही ज्यादा 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 डर लगता है. लोग हैं यहाँ पे बीच साइड में, घर नहीं, मुझे सुनामी का डर लगता है. नहीं नहीं नहीं, कभी कभी घूमने के लिए ठीक है. ऐसे इंसानों में से जो ज्यादा मत बताइए. गाइड करने आया है वहां तो जाना. अभी वो एक दो वर्ड और बोलता ना, मैं यहाँ से वापस भाग जाती. मैं कहता जस्ट तू ही गाइड हो ऐसे लोगों से. वो वहां पे ना कुछ आया है, बर्ड है उधर, काफी दूर है तो मैं वीडियो नहीं ले पाऊंगी और अब मैं पास जा नहीं सकती. बट जा नहीं सकते ना, और पास जो हवा आ रही है ना, ओ माय गॉड ठंड लग रही है यार लिटरली. बाल देखो कैसे, इतना ज्यादा पास है ना, मजा आ गया. मैं डरती हूँ पर बीच में ज्यादा पास जाने से. बीच के पास भी रहना है लेकिन सुनामी आने से डरना भी है. ऑब्वियसली बारिश हुआ तो गीला ही होगा, तो उड़ा उड़ा नहीं पाएंगे. अब उड़ाने के लिए अब सैंड पूरा सूखना चाहिए. हमने अभी तक रिवील नहीं किया गोवा में. तो अब कर तो दिया तूने. नहीं, आई थिंक मैंने शॉट लिए कुछ एयरपोर्ट से आते. अच्छा ऐसा आ गया भाई. कुछ 10 समथिंग बच गए हैं, अब हम यहाँ पे थोड़ा चिल करके आपको बहुत ही कम दिखाई दे रहा होगा व्यू. कम दिखाई दे रहा है, अरे लाइट नहीं है ना, इसीलिए रात का टाइम है. जितना आपको व्यू दे सकते हैं पानी का उतना आपको दे रहा है. ये जो लड़की जो आपको दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा डरपोक है. पानी बहुत ज्यादा स्पीड में है भाई यार. भाई बहुत दूर है यार, और बहुत विंडी भी है, सेफ एट ऑल क्योंकि कोई भी नहीं है बीच में. मुझे पता नहीं आपको दूर दूर तक लाइट्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. वो छोटे छोटे बोट्स हैं जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं पानी में, और ये आपको हर डिस्टेंस में दिखाई देंगे. मेरे हिसाब से आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मच नीडेड वेकेशन है ना जैसे. और गोवा की वाइब अच्छी है, मतलब मेरे को लगा था केरला ज्यादा अच्छा है, बट यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है. अब जब रूम में जाएंगे तो मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा बहुत है और मुझे बार बार राइट पे आना पड़ रहा है, तो फिर मिलेंगे. ओके, ड्रिजलिंग होने लग गई है अब थोड़ी थोड़ी, बारिश तेज हो गई है. भागो भागो भागो. ये हमारा रूम मैं तो रूम भूल गई, बारिश तेज हो रही है. हेलो हेलो,
अब हम लोग सोने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं, सोने जा रहे हैं, थक गए हैं। बाय कर दे, गुड नाइट कर दे, बाय बाय, कल सुबह मिलेंगे, फिर देखेंगे कल बुरा दिन करना क्या है। ओके बाय।